Welcome back to another vlog. Assalamu alaikum everyone, this is me Shandana Kamra and you are watching my daily vlog. I hope you all will be fine, you will be in the mood, you will be in the mood. So now the scene is like that I was going to do grocery. कामरान घर पे नहीं थे, मैंने कहा कि यार आप जो है बाद में आइएगा जब हम ग्रोसरी कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको पिक कर लूँगी। तो वो गए हैं अपने काम से, तो मैं जाऊँगी पहले ग्रोसरी करूँगी सकून से आराम से, क्योंकि काम से जब भी जाती हूँ मैं जल्दी जल्दी करना पड़ता है हर चीज़, ये भी जल्दी उठा लो जो ये साइज बेबी। तो अभी जाती हूँ आराम से ग्रोसरी करूँगी और उसके बाद कामरान आएंगे, फिर हम लोग आगे का प्लान देखते हैं। हबीबा को मैंने पार्क भेजा था, आयजल वो स्लाइड के ऊपर बैठी हुई है। मैंने कहा तब तक मैं रेडी होके आती हूँ फिर निकलते हैं। अभी ऐसे को लगते हैं नींद आ रही हो। रो अजो अजो डोंट क्राई, कम 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 शाबाश, कम 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 कम, पाँव पाँव अकड़ा हुआ, अड़ा हुआ उसका पाँव देखो। अजो लोना नहीं आजो। चलें जी हम जा रहे हैं अब घर। आजल को हम देते हैं दूध और उसका बैग पैक करने गई है हबीबा, फिर वो नीचे आती है, फिर हम लोग निकलेंगे ग्रॉसरी करने। और कामरान भी मेरा वेट कर रहे हैं, वो उधर ही हैं। हम चलते हैं और फिर उनको भी पिक करेंगे। क्या हो रहा है? अल्लाह अल्लाह, मैं तो आज तुमको पैर छोड़ कर आई थी। आवाज़ें इतनी ज़ोर ज़ोर से आई, मैं डर के मारे अंदर गई थी। मैंने कहा चलो दरवाज़ा बंद करके आती हूँ रूम का, और यहाँ पे ये इतनी आवाज़ आ रही, गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी। अली ने फिर गाड़ी अंदर की है शेर के नीचे। ये पकड़ो बेटा इससे, ये ले लो। कम आइजल शाबाश, और ये दिखाओ, उफ इतने बड़े बड़े, यो लो एक छोटे हाथ में दो आ रहे हैं। काम पिक्चर ले, पिक्चर काम। मैंने कहा पता नहीं क्या टूट रहा है भाई, तू जोर जोर से। कारपेट भी गीला हो गया भाई। तो हम आ चुके हैं चीज़ और मैंने अभी यहाँ से जो है ये टॉवल पकड़े हैं, ये एक डस्टिंग वगैरह के लिए, कोई भी काम शाम के लिए ये टॉवल लेते हैं। और हबीबा भी गई है सामान लेने, बाकी भी चीज़ें लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो दो पिलोज भी मैंने ले लिए हैं, इनकी शदीद ज़रूरत थी। कामरान हर वक्त कहता था यार पिलो एक और लेना, एक और लेना। ये दो छुरियाँ ले ली हैं, इसकी भी अशद ज़रूरत थी, जो पहली वाली थी वो कहीं मिसप्लेस हो गई है, तो ये भी ले लेते हैं। तो ये दो टी स्टेनर भी ले लिए हैं, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, एक गंदा हो जाए ना बार बार धोने का दिल नहीं करता। आज जो मैं काफ़ी सकून से शॉपिंग कर रही हूँ, वरना मेरे से रोज़ शॉपिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमने ली हैं, बाकी अभी मैं देख रही हूँ वो लेते हैं, साथ साथ देखते हैं।
सो अभी डिसाइड कर रहे हैं शैम्पू कौन सा लेना है। ये वाला इस बार मैं ट्राई करने लगी हूँ, चेक करते हैं कैसा। ये चेक करिए कितने क्यूट से लग रहे हैं, एक ये भी ले लेते हैं हम। और ये शैम्पू का यहाँ से बिल करवा लूँ, फिर नीचे चलते हैं ग्रॉसरी की तरफ। अभी हम आ गए हैं ज़रा ये ग्रॉसरी वाली साइड पर, इधर से देखते हैं अब चीज़ें लेती हूँ और ये अंदर डाल देते हैं। अब मैं डाइटिंग शुरू कर रही हूँ, वहाँ से तो मैंने की भी है सुबह, सुबह ऐसे खाया नहीं है, तो कॉफ़ी ले लेती हूँ साथ में और फिर ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी सुबह सुबह। आइजल तो पूरी पार्टी कर रही, जूस चिप्स सब रखे हुए हैं आइजल में, ये सामान जो है हम रख रहे हैं इसमें और बाकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। अब सोच रही हूँ और कुछ रहता तो नहीं है, अगर रहता है तो ले लेती हूँ, अगर नहीं रहता तो फिर घर चलते हैं बिल कराते हैं। कामी को कॉल करके पूछती हूँ क्या सीन है। शादी के बाद ना झाड़ू भी लेने पड़ते हैं, तभी मैं देख रही हूँ झाड़ू कोई अच्छा सा मिल जाए, ये वाला लग रहा है सही मुझे, ये पता नहीं देखती हूँ। हमारी शॉपिंग जो है वो डन हो गई है, बस अब वेट कर रहे हैं हमारे टर्न आने का, टर्न आती है और उसके बाद फिर हम लोग अपनी बिल कराते हैं। ले आइयो, इसको मैंने भेजा था कि इसकी लॉलीपॉप लेकर आओ, ये लो। ठीक है चलो, हमारा सामान जो है वो स्कैन हो रहा है, इसके बाद बस हम सामान लेते हैं और चलते हैं। क्या सी वैसे आई गो टू अलफता, बट आज हम आए थे चेज़ब और चेज़ब में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, मतलब जगह भी ज़्यादा है और चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं, तो बस साइड को बैठाते हैं, उस साइड से बैठाते हैं। आई एम बैक होम और सामान शामान जो है वो अपनी जगह पर सेट हो चुका है, ग्रॉसरी आइटम जो है वो फ्रिज में किचन में सेटिंग वगैरह हो गई है उनकी। राइट नाउ ये पिलो केसेस हैं, ये पिलो पे चढ़ रहे हैं और जितनी चीज़ें थी सारी जो हैं सेट हो रही हैं, अपनी जगह पे जाके उसको रख दिए। और आप लोग ये पूछोगे यार मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही थी, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरी जो जेठानी है उनकी तरफ बेबी बॉय हुआ है माशाल्लाह, तो मैं उनसे मिलने गई थी और अपना काम मैंने किया। उसके बाद मैंने यही सोचा था कि मैं वहाँ से उधर जाके मिलके फिर रात को अम्मी को पिक करके साथ वापस ले आऊँगी। अम्मी जो है वो सुबह से गई हुई थी, अभी अम्मी घर आई हैं तो पता नहीं उनको क्या हुआ है, उनको ना टेम्परेचर हो गया है और उनको हमने लिटाया है कि आप रेस्ट करें थोड़ी, सुबह से आप गई हुई, काम शाम जो है चल रहे हैं सारे। तो आप लोगों से जो है मैं आप इजाज़त लेती हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।